हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम SBI का एक ऐसा प्लान डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अगर आप पैसा जमा करते हैं तो यहाँ आपको अटल पेंशन योजना या जो दूसरी सरकारी स्कीम्स हैं उनके कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। SBI के अंदर हर तरह की स्कीम्स अवेलेबल हैं। ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है जो रिटायरमेंट को देखकर दोस्तों प्लान की गई है। इसके अंदर 5 साल का लॉक-इन पीरियड भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इसने 17.03% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में भी इस स्कीम ने 12.33% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। और दोस्तों, ये स्कीम ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 1 से 1.25 साल इस स्कीम को शुरू हुए हुआ है। अगर आप अटल पेंशन योजना के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू होती है 60 साल की उम्र के बाद में। मान लीजिए आपकी एज लगभग 30 साल के आसपास है तो 500 से 600 रुपये आपको जमा करने होते हैं अटल पेंशन योजना के अंदर अगले 30 सालों तक। और उस केस में दोस्तों आपको 5,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, तो वो एक रिटायरमेंट प्लान है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चलें कि ये स्कीम हमें 15% के ओवरऑल रिटर्न प्रोवाइड कराकर दे देगी, और आज आपकी एज लगभग 30 साल है और आप मात्र 1,000 रुपये हर महीने इस स्कीम के अंदर जमा करते हैं, तो अभी आपके पास में दोस्तों 30 साल का टाइम है। तो 30 साल में 1,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्टमेंट से टोटल आपका जो पैसा जमा होगा वो 3,60,000 रुपये होगा। लेकिन 15% भी रिटर्न अगर ये स्कीम दे देती है तो आपको 3,60,000 रुपये के अगेंस्ट 66,49,000 रुपये आपको इस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे। और फाइनल अमाउंट आपको जो आपने इन्वेस्ट किया 3,60,000 रुपये और जो आपको इस्टीमेटेड रिटर्न्स मिले, इन दोनों को मिलाकर फाइनली 70,09,000 रुपये का आपको इस्टीमेटेड रिटर्न इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें, मिनिमम आप 500 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप 500 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और 15% का ही आपको रिटर्न मिलता है तो 30 साल में जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,80,000 रुपये का होगा। लेकिन जो आपको इस्टीमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर मिलेंगे वो 33,24,000 के होंगे। अब फ्रेंड्स, फाइनल अमाउंट जो हमें मिलेगा वो 35,40,000 रुपये का लगभग हमें अमाउंट प्राप्त होगा। अब दोस्तों, मान लीजिए 35 लाख रुपये आपके पास में है जब आपकी उम्र दोस्तों कितनी है, 60 साल के आसपास। अगर हम दोस्तों इस 35 लाख रुपये के अमाउंट को डिवाइड करें 12 से तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2,91,000 रुपये आपको हर साल आमदनी हो सकती है अगले 12 साल तक। अगर मान लीजिए आप या कोई भी व्यक्ति जीवित रहता है दोस्तों कितने समय तक, सपोज वो अगले 20-25 सालों तक और जीवित रहता है, यानी कि 90 साल की उम्र तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है, तो अगर हम 30 साल से इसको डिवाइड करें तो 30 साल में दोस्तों इसके अंदर जो हमें पैसा प्राप्त होगा हर साल वो हम देख सकते हैं कि लगभग 1,16,000 रुपये हमारे पास में होंगे अगर हम इसको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हैं इस पैसे को। तो 1,16,000 रुपये का अमाउंट हमारे पास में होगा। ये अमाउंट भी दोस्तों अटल पेंशन योजना से 2 गुने से भी ज़्यादा कैलकुलेट होकर आता है, क्योंकि अटल पेंशन योजना में आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग 10,000 रुपये से भी ज़्यादा की पेंशन सेट हो रही है अगर आप उस पूरे के पूरे पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो भी अगर बैठकर मान लीजिए आप इस पैसे को सिर्फ स्पेंड करते हैं, उस केस में भी आपको लगभग 1,25,00,000 रुपये सालाना बेसिस पर खर्च करने के लिए आपके पास में होंगे। सो गाइज, अगर आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और छोटा सा अमाउंट भी 500 रुपये प्रति मंथ भी आप बचा लेते हैं तो आप SBI की इस स्कीम के थ्रू एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। SBI के इस फंड का नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान। इसके अंदर 5 साल का लॉक-इन पीरियड है और SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एक ऐसा फंड है जो आगे आने वाले टाइम में भी दोस्तों हमें 15% या उससे ज़्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड कराकर दे सकता है। सो गाइज, अगर आपको करना है इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट तो आप खुद से भी अपने घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों ग्रो या जरोदा के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है,
उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट पहले ओपन कर लें और उसके बाद में आप इस फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, ग्रो एंड जीरोधा के। धन्यवाद।